रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम शब्दों में कहती हैं कि मेरा शरीर अंग्रेजों को मिलना नहीं चाहिए। साल था 1757 बैटल ऑफ पलासी और 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर। इस दोनों युद्धों को जीतने के बाद ब्रिटिशों की अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुका था। भारत की कई राजाओं ने समय की आड़ में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण तक कर दिया था। तब एक वीरांगना ने अपनी तलवार से इसकी जवाब दी। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के क्रांति में एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, और वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आखिर कैसा हुआ था रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी समय? आखिर क्या घटा था उस दिन जब युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सेना रानी लक्ष्मीबाई को घेर ली थी, लेकिन उनको वो लोग जिंदा पकड़ नहीं पाए थे? आखिर क्या हुआ था? तारीख थी 18 जून 1858, जब लक्ष्मीबाई को युद्ध क्षेत्रों में चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन रानी ने भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्रिटिशों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की सेना कम होती जा रही थी। अब रानी को लगा यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है। अंग्रेजों को चकमा देकर रानी इतने तेजी से मैदान से पीछे हटी कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए। रानी और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से 1 मील दूरी पर भाग के चले गए थे, मगर तब तक अंग्रेज सेना पीछा करते करते आ पहुंचे थे। अंग्रेजी सेना के तरफ से कैप्टन रॉड्रिक्स ब्रिक्स वो पहले शख्स थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मैदान में लड़ते हुए देखा था। रानी ने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी और वो अपने दोनों हाथ से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। अब एक और जगह से युद्ध की शुरुआत होता है। रानी लक्ष्मीबाई के पास सैनिकों की संख्या अंग्रेजों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी। रानी के एक सैनिक अंग्रेजों की 3-3 सैनिकों से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने तलवार से वार किया रानी के सीने में, लेकिन रानी ने तुरंत मुड़ कर अपने उस हमला करने वाले अंग्रेज की ऊपर पूरी तरह से तलवार चलाई और वो अंग्रेज तुरंत ही विध्वस्त हो गया। रानी तब घोड़े के ऊपर सवार थी। घोड़े से दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ जाता है और वो घोड़े को लेकर झरने के उस पार छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा डर के मारे वहीं पे रुक जाता है। और इसके बाद ही अचानक रानी के कमर में बाईं तरफ राइफल की एक गोली आके लगती है और रानी के बाएं हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने अपने हाथ से कमर से निकलने वाली खून को रोकने की कोशिश की। तब तक और एक अंग्रेज आके रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपने तलवार को ऊपर उठाई, मगर उस अंग्रेज की तलवार इतनी जोर से वार हुई कि रानी की माथा तलवार से लग के फट गई और वो उससे निकलने वाली खून से लगभग अंधी हो चुकी थी। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस अंग्रेज सैनिक को विध्वस्त कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े से नीचे गिर गई। तभी अचानक उनके एक सैनिक आके रानी को उठा लिया और पास ही के एक मंदिर में उन्हें ले गया। तब रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी और काफी देर गोलीबारी के बाद रानी के अंतिम सैनिक को गोली लग गई। अब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि रानी और जिंदा नहीं बची है, लेकिन तभी अंग्रेज अधिकारी रॉड्रिक्स ने चिल्ला कर कहा, रानी अब भी जिंदा है। अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। रानी की एक आंख काटार से चोट लगने के कारण बंद पड़ गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उनको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर आवाज आने लगी। उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। उनके पास खड़े मंदिर पुजारियों को उन्होंने ये बात कही और उसकी तुरंत बाद ही उनकी सर एक तरफ हिल गया और वो प्राण त्याग देती है। अब उनके सैनिकों ने कुछ लकड़ियां जमा की और रानी के पार्थिव शरीर को आग लगा दिया। अंग्रेज लगातार बाहर से गोलियां चला रहा था। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफल्स चल रही थी। कुछ समय बाद वो भी रुक गई। अब अंग्रेज मंदिर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। तब तक एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था।
लेकिन तभी उन लोगों की नजर एक चीता पर पड़ी जिसकी लपटे अब शांत हो जा रही थी और उन लोगों को मानव शरीर की एक अवशेष दिखाई पड़ी जिसकी हड्डियां लगभग राख बन चुकी थी। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। ये अंतिम घड़ी एक ऐसी व्यक्तित्व की थी जो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, एक वीर योद्धा भी थी, एक वीरंगना थी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ जान पाए हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।